ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सित्योतेरमो अध्याय सालवनो उद्धार। श्री सुखदेव जी कहे छे, परीक्षित हवे प्रद्युम्न जीए हाथ मोटू धोई कवच पहरी ने धनुष्य धारण करियो अने सारथी ने कहियो मने वीर द्युमाननी पासे लई चालो। ते समये द्युमान यादव सेना ने छिन्न भिन्न करी रह्यो हतो। प्रद्युम्न जीए तेनी पासे पहुंचीने तेने आम करता अटकावी दीधो अने हसीने तेने आठ बाण मारिया। चार बाणों थी तेना चार घोड़ा अने एक एक बाण थी सारथी धनुष्य धजा अने तेनु माथु कापी नाख्यु। आ बाजु गदा सात्यकी सांब अने यादव वीरो पण सालवनी सेनानो संहार करवा लाग्या। सौभ विमानमां बैठेला सैनिकोना मस्तको कपाई कपाई ने समुद्रमां पड़वा लाग्या। आ रीते यादवो अने सालवना सैनिको एक बीजा पर प्रहार करता रहिया। बहु भयंकर युद्ध थयु अने ते सतत 27 दिवस सुधी चालतु रह्यु। ते दिवसोमां भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरना बोलाववाथी इंद्रप्रस्थ गयेला हता। राजसूय यज्ञ संपन्न थई चुक्यो हतो अने शिशुपाल पण मराई गयो हतो। त्यां भगवान श्री कृष्णे जोयु के बहु भयंकर अपशुकनो थई रह्या छे। त्यारे तेमणे कुरुवंशना वडील वृद्धो ऋषि मुनियो कुंती अने पांडवोनी अनुमति लईने द्वारका प्रस्थान कर्यु। तेओ मनमां विचारवा लाग्या के हूँ पूज्य बलराम भाई साथे अहीं चाल्यो आव्यो, परंतु शिशुपालना पक्षपाती क्षत्रियोए अवश्य द्वारका पर आक्रमण कर्यु हशे। भगवान श्री कृष्णे द्वारका पहुंचीने जोयु के खरेखर यादवों पर बहु मोटी आपत्ति आवी छे। त्यारे तेमणे बलराम जी ने नगरनी रक्षामां नियुक्त करी दीधा अने शौभपति सालवने जोईने पोताना सारथी दारुक ने कह्यु, दारुक तू बहु जल्दी मारो रथ शाल्व पासे लई चाल। आ शाल्व मोटो मायावी छे, तो पण तू सहेज पण भय राखीस नहीं। भगवाननी आवी आज्ञा मेळवीने दारुक रथ पर चढ़ी गयो अने तेने शाल्व पासे लई गयो। भगवानना रथनी धजा गरुड़ना चिन्ह वाड़ी हती। ते जोईने यादवो तथा साल्व सेनाना लोकोए युद्धभूमिमां प्रवेश करताज भगवानने ओळखी लीधा। परीक्षित अत्यार सुधीमां साल्वनी मोटा भागनी सेना नष्ट थई चूकी हती। भगवान श्री कृष्णने जोताज साल्वे भगवानना सारथी उपर बहु खतरनाक शक्ति चलावी। ते शक्ति भयंकर अवाज करती आकाशमां बहु वेगथी दौड़ी रही हती अने महान उल्का जेवी देखाती हती। तेना प्रकाशथी दिशाओ प्रकाशित थई उठी हती। तेने सारथी तरफ आवती जोईने भगवान श्री कृष्णे पोताना बाणोथी तेना सैकड़ो टुकड़ा करी दीधा। त्यार पछी तेमणे शाल्वने 16 बाण मारिया अने तेना विमानने पण जे आकाशमां फरी रह्यू हतू असंख्य बाणोथी चारणी जेवू करी नाख्यू। बराबर एज रीते जेम सूर्य पोताना किरणोथी आकाशने भरी दे छे, त्यार पछी साल्वे भगवान श्री कृष्णनी डाबी भुजामां जेमां सारंग धनुष्य शोभी रह्यू हतू बाण मार्यू, जेना कारणे भगवानना हाथमांथी दिव्य धनुष्य नीचे पड़ी गयू। आ एक अद्भुत घटना बनी गई। जे लोको आकाश अथवा पृथ्वी परथी आ युद्ध जोई रह्या हता तेओ बहु जोरथी हाहाकार पोकारी उठ्या। त्यारे साल्वे गर्जना करीने भगवान श्री कृष्णने आ प्रमाणे कह्यु, मूर्ख ते अमारा लोकोनी नजर सामे अमारा भाई अने मित्र शिशुपालनी पत्नीनु हरण कर्यु अने भरी सभामां ज्यारे अमारो मित्र शिशुपाल असावध हतो ते तेने मारी नाख्यो। हूँ जाणू छूं के तू पोताने अजय माने छे, जो मारी सामे ऊभो रही जाय तो हूँ आजे तने मारा तीक्ष्ण बाणोथी त्यां पहुंचाड़ी दईश ज्यांथी कोई पाछू आवतू नथी। भगवान श्री कृष्णे कह्यु, अरे मूर्ख
तू मिथ्या बके छे, तने खबर नथी के तारा माथा पर मोत सवार छे। सुरवीरो व्यर्थ बकवाट नथी करता, ते तो पोतानी वीरता ज देखाड़े छे। आ प्रमाणे कहीने भगवान श्री कृष्णे क्रोध पूर्वक पोतानी अत्यंत वेगवाड़ी एक भयंकर गदाथी सालवनी हाशड़ी पर प्रहार कर्यो। एनाथी ते लोही ओकतो ध्रुजवा लाग्यो। अहीं ज्यारे गदा भगवान पासे पाछी आवी त्यारे सालव अंतरधान थई गयो। त्यार पछी बे घड़ी वितता वितता एक मनुष्य भगवान पासे आवीने तेमने मस्तक नमावी प्रणाम करी रड़तो रड़तो कहवा लाग्यो, मने आपना माता देवकी जीए मोकल्यो छे। तेमने कहियो छे के पोताना पिता पर अत्यंत प्रेम राखनारा महाबाहु कृष्ण, शाल्व तमारा पिता ने जेम कशाय पशु ने बांधीने लई जाय तेम बांधीने लई गयो छे। आवा अप्रिय समाचार सांभळीने भगवान श्री कृष्ण जाने मनुष्य जेवा बनी गया। तेमना मुख पर उदासी छवाई गई, तेवो साधारण मनुष्यनी जेम अत्यंत करुणा अने स्नेहथी केवा लाग्या, अहो मारा भाई बलराम जी ने तो देवता के असुर कोई जीती सकतु नथी, तेवो हमेशा सावधान रहे छे। शालवनु बड़ पराक्रम तो तद्दन अल्प छे, छता तेने तेमने कई रीते जीती लीधा अने कई रीते मारा पिता ने बांधीने लई गयो, खरेखर प्रारब्ध बहु बड़वान छे। भगवान श्री कृष्ण आ प्रमाणे कहीज रहिया हता के सालव वसुदेव जी जेवो एक माया रचित मनुष्य लईने त्या आवी पहुंच्यो अने श्री कृष्ण ने कहवा लाग्यो, मूर्ख जो आज तने पैदा करवा वाड़ो तारो बाप छे, जेना माटे तू जीवी रहियो छे, तारी सामेज हूँ आनो वध करू छू, काई बड़ पराक्रम होय तो आने बचाव। मायावी शालवे आ प्रमाणे भगवान नो आवो तिरस्कार करीने माया रचित वसुदेव जी नू माथु तलवार थी कापी नाख्यु अने तेने लईने आकाश मां स्थित विमान पर जईने बेसी गयो। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप अने महात्मा छे, तेवो आ घटना जोईने बे घड़ी माटे पोताना स्वजन वसुदेव जी पर प्रेम होवाने लीधे साधारण मनुष्यनी जेम शोकमां डूबी गया। परंतु पछी ते जाणी गया के आ तो सालवनी रचेली आशुरी माया ज छे अने ते मई दानवे तेने आपी छे। भगवान श्री कृष्णे युद्ध भूमि मां सचेत थईने जोयु तो न त्यां कोई दूत छे के न तेमना पितानु शरीर, जाने स्वप्नमां एक दृश्य देखाईने लुप्त थई गयु। त्यां जोयु तो शाल्व विमान मां बेसीने आकाश मां विचरी रह्यो छे, त्यारे तेओ तेनो वध करवा तैयार थई गया। प्रिय परीक्षित पूर्वापरनी वातने न जाणनारा लोको विशे कोई कोई ऋषिओ आ प्रकारनी वात कहे छे, पण राजर्षि तेओ खरेखर भूली जाय छे के श्री कृष्ण विशे आवुं कहेवाथी तेमनी पोतानी वाणीमां विरोध आवे छे। क्यां ज्ञानीओमां रहेवा वाळा शोक मोह स्नेह अने भय, तथा क्यां ते परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जेमनु ज्ञान विज्ञान अने ऐश्वर्य अखंडित छे, एक रस छे, भला तेमनामां आवा भावोनी संभावना ज क्यां छे। मोटा मोटा ऋषि मुनियो भगवान श्री कृष्णना चरण कमळोनी सेवा करीने मळेली आत्मविद्यानु सारी रीते संपादन करे छे अने तेना द्वारा शरीर वगैरे मां आत्मबुद्धि रूपी अनादि अज्ञान ने नष्ट करी दे छे, तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य ने प्राप्त करे छे। ते संतोना परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण मां भला मोह कई रीते थई शके। हवे सालव भगवान श्री कृष्ण उपर खूब उत्साह अने वेग पूर्वक शस्त्रोनी वृष्टि करवा लाग्यो। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्णे पण पोताना बाणोथी सालवने घायल करी दीधो अने तेना कवच धनुष्य तथा मस्तकना मणिने छिन्न भिन्न करी दीधा। आ उपरांत
ગદાના પ્રહારથી તેના વિમાનને પણ ખોખરું કરી નાખ્યું. પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હાથની ગદાથી વિમાનના ટુકડે ટુકડા થઈને તે સમુદ્રમાં પડી ગયું. તે વિમાન નીચે પડતા પડતા જ શાલ્વ ગદા લઈને ધરતી પર કૂદી પડ્યો અને સાવધાન થઈને બહુ વેગપૂર્વક શ્રી કૃષ્ણ તરફ દોડ્યો. શાલ્વને આક્રમણ કરતો જોઈને ભગવાને ભાલાથી ગદા સહિત તેનો હાથ કાપી નાખ્યો. પછી તેને મારી નાખવા માટે તેમણે પ્રલયકાળના સૂર્ય જેવું તેજસ્વી અને અત્યંત અદ્ભુત સુદર્શન ચક્ર ધારણ કરી લીધું. તે સમયે તેઓ સૂર્યદેવની સાથે ઉદયાચલ જેવા શોભતા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે તે ચક્રથી પરમ માયાવી શાલ્વનું કિરીટ કુંડળો સહિત ઇન્દ્રે વસ્ત્રાસુરનું મસ્તક છેદી નાખ્યું હતું તેમ મસ્તક છેદી નાખ્યું. તે સમયે શાલ્વના સૈનિકો અત્યંત દુઃખથી હાહાકાર પોકારી ઉઠ્યા. પરીક્ષિત, જ્યારે પાપે શાલ્વ મરી ગયો અને તેનું વિમાન પણ ગદાથી ભૂક્કું થઈ ગયું ત્યારે દેવતાઓ આકાશમાં વાજિંત્રો વગાડવા લાગ્યા. બરાબર એ જ વખતે દંતવક્ત્ર પોતાના મિત્ર શિશુપાલ વગેરેનો બદલો લેવા માટે અતિ ક્રોધપૂર્વક આવી પહોંચ્યો. દસમા સ્કંદના ઉત્તરાર્ધ અંતર્ગત સૌભવદ નામનો 77મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ.